सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन शुक्ला और आप देख रहे हैं ए टू जेड प्रैक्टिकल। सो फ्रेंड्स, ये है मेरे पास ब्यूरेट और हम कैलिब्रेटेड करने वाले इस पिपेट को, मतलब ब्यूरेट का यूज करके हम पिपेट को कैसे कैलिब्रेट कर सकते हैं वो हम इस एक्सपेरिमेंट में देखने। दूसरी चीज, हम ब्यूरेट और पिपेट का यूज भी देख सकते हैं कि हम ब्यूरेट और पिपेट को कैसे स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में आप ये सब सीखने वाले हो कि आपको कभी कभी एयर बबल्स में प्रॉब्लम आता है, कभी कभी ब्यूरेट को देखने में प्रॉब्लम आता है कि अपर मेनिस्कस देखते हैं कि लोअर मेनिस्कस देखते हैं। सो वो सारी चीज मैं यहाँ पे डील करने वाला और सारी चीज आपको बताने वाला हूं पिपेट और ब्यूरेट के बारे में। ठीक है, आपका बस एक ही काम है कि आप इस चैनल को जरूर वॉच कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो और इस चैनल पे बहुत सारे मैंने वीडियो केमिस्ट्री और फिजिक्स से 11 12 से रिलेटेड ऐड किए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसे जरूर शेयर कीजिए। सो चलो मैं एक्सपेरिमेंट क्या करता हूं, स्टार्ट करता हूं और इसका कैलिब्रेशन और दोनों के यूजेस आपको करके दिखाता हूं। सो फ्रेंड्स, ये आपका ब्यूरेट है। ठीक है, आपको ब्यूरेट को क्या करना रहता है, स्टैंड में इजीली फिट कर देना रहता है। ठीक है, स्टैंड में क्या करना रहता है, आपको इजीली फिट करना रहता है। ये मेरे पास 25 ml का ब्यूरेट गिवन है। ठीक है, और इसमें आपको क्या फील करना रहता है, लिक्विड फील करना रहता है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है फ्रेंड्स कि आपको ना एक इसमें चीज़ें होती है अपर मेनिस्कस और लोअर मेनिस्कस, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि अपर मेनिस्कस क्या होता है और लोअर मेनिस्कस क्या होता है। ये हमारे पास कलर सॉल्यूशन है। तो जब कलर सॉल्यूशन ब्यूरेट में फील करते तो कौन सा मेनिस्कस देखते हैं, और जब कलरलेस सॉल्यूशन को इस ब्यूरेट में फील करेंगे तो कौन सा मेनिस्कस देखते हैं। सो चलो मैं पहले आपको ये बोर्ड पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, ये आपका ब्यूरेट होता है। ठीक है, और ब्यूरेट के नीचे यहाँ पे एक नॉब लगा होता है और यहाँ पे एक नोजल लगा होता है, और यहाँ पे इसको हम ऊपर नीचे करते हैं। अब देखो, हमारे पास दो लिक्विड था, एक था कलर लिक्विड और दूसरा मेरे पास था कलरलेस। तो क्या करना होता है फ्रेंड्स आपको, अगर आपके पास कलरलेस लिक्विड है, तो कलरलेस लिक्विड जैसे वाटर जैसा लिक्विड, तो ना आपको ना उसका लोअर मेनिस्कस देखना होता है। क्या देखना होता है, लोअर मेनिस्कस। अब लोअर मेनिस्कस क्या होता है, सो देखो ये लिक्विड ना हमेशा इसके अंदर चाहे आप देखोगे ना तो एक कप जैसा बनाता है। कैसा बनाता है, कप जैसा। मान लो आपका यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे वन है, टू है, थ्री है, तो ये होता है लोअर मेनिस्कस। क्या होता है, देखो आपका लिक्विड एक कप जैसा बनाता है तो इसको बोलते हैं ना लोअर मेनिस्कस। क्या बोलते हैं इसको, लोअर। तो मतलब ये जो लोअर वाला पार्ट है ना आपके ब्यूरेट में ना, ये जीरो को टच होना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ इमेज आना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर आपका जीरो यहाँ पे है तो ये बिल्कुल कर्व लिक्विड ना इस जीरो को ऐसे टच करना चाहिए। आपको ऊपर वाले से मतलब नहीं, आपको नीचे वाले से मतलब होता है। तो ये किसका कंसेप्ट है, कलरलेस लिक्विड का कंसेप्ट है। अब कलर लिक्विड का कंसेप्ट क्या है, इसमें ना हम लोग अपर मेनिस्कस देखते हैं। क्या देखते हैं, अपर मेनिस्कस। अपर मेनिस्कस क्या होता है, मान लो ये तुम्हारा ब्यूरेट है, यहाँ पे जीरो है, तो आप जब लिक्विड फील करोगे ना तो ये बिल्कुल ऐसे फील होता है, बिल्कुल ऐसे, मतलब लिक्विड का एक ऊपर वाला सरफेस एरिया आता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर मेनिस्कस। ठीक है, तो आपको लोअर और अपर मेनिस्कस देखना है। कलरलेस लिक्विड के लिए लोअर मेनिस्कस और कलर्ड लिक्विड के लिए क्या देखना रहता है, अपर मेनिस्कस। जैसे कि केमेनोफोर जो मैंने लिया था अभी, वो क्या था हमारा, कलर्ड लिक्विड था। ठीक है, अब फ्रेंड्स आप लोगों ने बोर्ड पे देखा होगा कि मैंने आपको मेनिस्कस समझा दिया है, तो फिलहाल ये कलरलेस लिक्विड है, तो आपको क्या देखना है, लोअर मेनिस्कस देखना है। क्या देखना है, लोअर मेनिस्कस। और लोअर मेनिस्कस कैसा आता है, कर्व जैसा आता है। ठीक है, सो मैं पहले क्या करूँगा, इसको फील करना यहाँ पे स्टार्ट करूँगा। देखो फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि अगर आपको कोई भी लिक्विड को ब्यूरेट में फील करना है ना, तो आप उस पहले लिक्विड को ना थोड़ा सा इस ब्यूरेट में ऐड कर दीजिए। कोई केमिकल वाला लिक्विड रहा तो इसको बोलते हैं रिंस करना, मतलब आप अगर ब्यूरेट को ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो ये सारा लिक्विड आजू बाजू में लग जाएगा और जो आपकी मोलारिटी है वो क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। नहीं तो वो लिक्विड क्या करेगा, जो आजू बाजू एयर मॉइस्चर है उसमें भी घुल जाएगा और आपकी मोलारिटी को क्या करेगी, ख़राब कर सकती है। तो आप इसको रिंस करके ना इसको हमेशा एक काम करिएगा, फेंक दीजिएगा। ठीक है, आपको हमेशा इसको फेंकना रहता है। अब आप क्या कर सकते हैं कि हमारा जो भी केमिकल बना है हम इसको क्या करेंगे, इसमें फील करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको ब्यूरेट को यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ पे हमेशा फनल रखिए फील करने के लिए इसको, और इसको यहाँ तक क्या करते हैं, फील करते अच्छे से। ठीक है, इसको क्या करते हैं, अच्छे से यहाँ तक फील। ऐसा होता है कि जब आप लिक्विड को फील करते हो ना, तो ये जो नोजल होता है ना, यहाँ पे लिक्विड फील नहीं होता है क्योंकि इसके थ्रू ये लॉक होता है। ठीक है, सो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो रहता है वो लिक्विड फील नहीं होता, तो इसी को बोलते हैं एयर बबल्स। एयर बबल्स मतलब आपको ये सारे लिक्विड को यहाँ से क्या करता है, क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। आप देखेंगे तो जैसे ही मैं ये नॉब ओपन करूँगा ना, तो ये लिक्विड यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा फील हो जाएगा। ठीक है, ये कलरलेस लिक्विड है इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है कि ये यहाँ पे आके क्या हो जाता है, फील हो जाता है। और आपको फिर क्या देखना पड़ता है, आप देख रहे होंगे कि लिक्विड कहाँ है, जीरो के ऊपर है, और ये कलरलेस लिक्विड है, तो क्या देखेंगे, लोअर मेनिस्कस। और लोअर मेनिस्कस के लिए मैंने आपको बताया था कैसे फील करना है। सो ये लिक्विड को बिल्कुल आपको जीरो पे क्या करना होता है, सेट करना होता है। सो मैं क्या करूँगा, इसको जीरो पे यहाँ पे सेट कर दूंगा।
ठीक है। तो फिलहाल ये लोअर मिनिस्कस ये रॉन्ग हो चुका है, आप देख रहे हैं ये जो लोअर मिनिस्कस है वो कहाँ है, जीरो के और नीचे आ गया। लेकिन आपको कहाँ सेट करना रहेगा इसको, जीरो के थोड़ा सा ऊपर। तो आप इसमें थोड़ा सा और लिक्विड क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और वापस से इसको क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। अब वो आपको लोअर मिनिस्कस दिख रहा होगा, ठीक है, कर्व जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा लिक्विड का। तो अब ये फिलहाल देख रहे हैं आप, ये जीरो पे क्या हो चुका है, जो लोअर मिनिस्कस है लिक्विड का, ऊपर वाला नहीं, लोअर मिनिस्कस जीरो पे टच कर चुका है। तो आपको ब्यूरेट को बिल्कुल ऐसे ही यूज़ करना होता है, ठीक है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर हमारे पास कलर्ड लिक्विड हो तो उसको कैसे फिल करते हैं। मैंने आपको बोर्ड पे समझाया था कैसे करना है। इसके लिए कलर्ड लिक्विड के लिए हम क्या देखते हैं, अपर मेनिस्कस। तो लेकिन उसके पहले मैंने फ्रेंड्स आपको क्या बताया कि आपको कभी भी क्या करना रहता है, थोड़ा सा ब्यूरेट में लिक्विड डालिए और इसको आजू बाजू क्या कीजिए, रिंस कीजिए। इसको बोलते हैं रिंस करना, ठीक है। ऐसे करके इस लिक्विड को क्या कीजिए, थ्रो आउट कीजिए, नहीं तो ये आपकी मोलरिटी जो बनी है उसको क्या कर देगा, ख़राब कर देगा, ठीक है। मैंने इसको फेंक दिया, अब ये कैमिनोफोर इसके आजू बाजू लग चुका है, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, इसको ब्यूरेट पेक के ऊपर फिल करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि आपको जो पिपेट होता है उसको कैसे कैलिब्रेट करते हैं, उसको कैलिब्रेट कैसे करते हैं। तो ये पिपेट है ना, जो 10 ml का पिपेट है, कितना ml का पिपेट है, 10 ml का। तो मैं इस लिक्विड को ना 25 ml का है ना, तो इसको मैं कहाँ तक फिल करूँगा, 15 ml तक फिल करूँगा और 10 ml रिमेनिंग रखूँगा। क्यों? क्योंकि मैं पिपेट आउट करके जब इसमें 10 ml डालूँगा तो देखूँगा वो जीरो तक आ रहा है कि नहीं, मेरी बात समझ रहे। इसका मतलब ये है कि ये ऑलरेडी 25 ml का है, तो मैं इसमें क्या करूँगा, 15 ml तक इस लिक्विड को फिल करूँगा और 10 ml छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे देखना है कि 10 ml जब मैं इस पिपेट से पिपेट आउट करूँगा तो इसमें फिल करने के बाद क्या ये 10 ml दिखा रहा है, ये तब ये हमारा पिपेट क्या हो जाएगा, कैलिब्रेटेड। अगर ये जीरो, यहाँ पे जीरो होता है, अगर ये जीरो तक लिक्विड फिल हो गया तो ये कैलिब्रेटेड रहेगा, लेकिन अगर जीरो के ऊपर चले गया या फिर जीरो के नीचे रह गया तो ये पिपेट हमारा 10 ml का नहीं रहेगा, हो सकता है कम का हो या फिर ज़्यादा का हो। तो इसी को बोलते हैं कैलिब्रेशन। तो चलो मैं इसको 15 ml तक क्या करता हूँ, पहले फिल करता हूँ, ठीक है। 15 ml तक क्या करूँगा, इसको फिल करूँगा, मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही लिक्विड भरूंगा और इसको बाद में नॉब के थ्रू क्या करूँगा, एडजस्ट कर सकता हूँ। आपको एयर बबल्स निकालना है तो देखिए यहाँ पे, देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एयर बबल्स है, तो निकालना है तो आपको नॉब को हल्का सा ओपन करना पड़ेगा, देखिए आ गया ये। अब आपको मैं क्या करूँगा, इसको 15 ml तक एडजस्ट करूँगा, से लेकर 10 तक क्या है, रिमेनिंग है। और हमारा जो ये होता है ब्यूरेट होता, सॉरी ये जो पिपेट होता है ये कितने एमएल का होता है, 10 का। तो मुझे देखना है कि क्या 10 ml इसमें डालने के बाद ये 10 ml पूरा भर जाएगा। अगर ये भर जाएगा तो सही रहेगा, ये 10 ml का पिपेट रहेगा। लेकिन अगर थोड़ा बहुत लिक्विड ऊपर या नीचे जाएगा तो ये हमारा पिपेट क्या रहेगा, कैलिब्रेटेड नहीं रहेगा, ये पिपेट हमारा थोड़ा सा खराब रहेगा, फिर हम दूसरा पिपेट यूज़ करते हैं उसके लिए, ठीक है। यही हमारा मोटो होता है एक्सपेरिमेंट का कि ये पिपेट जो है वो 10 ml का है या नहीं है। देखो फ्रेंड्स, पिपेट को यूज़ करने का तरीका क्या है, यहाँ पे एक लाइन होती है तो आपको लिक्विड को पूरा खींचना रहता है और इसके थ्रू, ये हाथ के थ्रू क्या करना रहता है, देखो ये उंगली यहाँ रखनी पड़ती है और ये बल्ब पे ना ये रखना पड़ता है, ठीक है। जब आप पूरा सक कर लेंगे तब फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको हल्का हल्का ना ओपन करके यहाँ से लिक्विड को ना जाने दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने लिक्विड इस लाइन के ऊपर खींच लिया, इस लाइन तक अगर आप लिक्विड खींचेंगे ना तो वो 10 ml का होता है। कितने ml का होता है, 10 ml का। अगर इस लाइन के ऊपर तक आप लिक्विड खींचिए और इसको ना हल्का हल्का हाथ से, उंगली से क्या कीजिए, मेंटेन कीजिए। आप जैसे ओपन करेंगे ना फिंगर, वैसे लिक्विड क्या जाएगी, नीचे जा कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए, ठीक है, जैसे लिक्विड यहाँ तक पहुँच जाए। अभी आपके पास पिपेट होता है, आपको पिपेट को क्या करना रहता है, शक करना रहता है माउथ से। आप अगर बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं तो आप जो भी पिपेट आउट करते पहले थोड़ा सा पिपेट कीजिए और उसको क्या कीजिए, हल्का सा रिंस कीजिए, ताकि ये जो सॉल्यूशन है ना इसके आजू बाजू लग सकता है, आपकी मोलरिटी कम नहीं होगी। और इसको आप थ्रो आउट कर दीजिए, क्या करना है आपको, इसको थ्रो कर दीजिए, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, आपको मैंने लाइन दिखाया था, आपको उस लाइन तक इसको पिपेट आउट करना है। ठीक है, ये लाइन तक आपको पिपेट आउट करनी रहती है। और मैंने क्या बताया था, इसकी हेल्प से आप इसको क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिंगर्स को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके आप क्या कर सकते हैं, इसको एडजस्ट, मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है। अब ये देखता हूँ ये 10 ml का और यहाँ पे 10 ml खाली जगह है, तो दोनों क्या मतलब 10 ml ये फील होता है, ये कैलिब्रेटेड है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, फील करता हूँ, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैं इसको फील करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं इसको फील करने जा रहा हूँ। तो अब मैंने इसको यहाँ पे फील कर दूंगा, सो आप यहाँ पे क्या देख रहे होंगे, आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि ये जीरो से ना हल्का सा नीचे देख रहा है ना आपको, हल्का सा क्या है, नीचे। तो इसका मतलब ये जो पिपेट है ना ये प्योर 10 ml का नहीं, इसमें कुछ तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। तो आपको ऐसा पिपेट लेना पड़ेगा और आपको इस लाइन तक पिपेट आउट करके ना इसको इसमें फिल करना होगा। जब ये जीरो तक पहुंच जाएगा तो मतलब ये पता चल जाएगा कि ये पिपेट कितना है आपका, 10 ml का। तो आप ये प्रोसीजर रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे बहुत सारे पिपेट के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम कैलिब्रेट करते हैं क्या, पिपेट को कैलिब्रेट करते हैं, ठीक है।
सो फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिकल में मैंने आपको बताया कि आप ब्यूरेट और पिपिट का कैसे यूज़ करके उसको कैलिब्रेट कर सकते हो, और दोनों के यूजेस भी मैंने आपको बताए. ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इस पर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्रीज और बायोलॉजी के भी मैं प्रैक्टिकल अपलोड करने के लिए सोच रहा हूँ. तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि आपको डे टू डे वीडियो इस चैनल से रिलेटेड मिलते रहे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू.